के गौतम अपने YouTube चैनल gsstudy.in में आपका स्वागत है। और हमेशा की तरह आज हम क्लास टेंथ का एक चैप्टर है वृद्ध पथिक कथा, ठीक है ना। यहाँ पे वृद्ध ब्यार की कथा है, यानी इसका फाइनली नाम है वृद्ध, ठीक है ना, पथिक कथा। तो वृद्ध पथिक कथा, वृद्ध मने होता है बूढ़ा और पथिक मने होता है राही, यानी एक वृद्ध बाघ और एक पथिक के बीच की ये कहानी है जो काफ़ी दिलचस्प और काफ़ी इम्पोर्टेंट कहानी है, ठीक है ना। क्योंकि जब आप इस कहानी को पढ़ोगे तो आपको सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस कहानी को पढ़ेंगे, इसका ऑब्जेक्टिव का मैंने वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, जो भी लोग ऑब्जेक्टिव नहीं देखे हैं सो जा कर के मेरा ऑब्जेक्टिव का जो नमस्कार दोस्तों, मैं DK गौतम अपने YouTube चैनल gsstudy.in में आपका स्वागत है। और हमेशा की तरह आज हम लोग क्लास टेंथ का एक चैप्टर पढ़ेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, वृद्ध ब्यार्ग, ठीक है ना। वृद्ध ब्यार्ग की कथा, यानी एक बूढ़ा बाघ की हम लोग कथा को पढ़ेंगे जो क्लास टेंथ में ये संस्कृत का एक चैप्टर है, ठीक है। तो मैं इस चैप्टर को शुरू करूं उसके पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि मेरे चैनल के माध्यम से प्रतिदिन जो है वीडियो अपलोड किए जाते हैं, ठीक है ना, जो हर एक स्टूडेंटों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं, वृद्ध ब्यार्ग की कथा द ओल्ड टाइगर्स टेल, ठीक है ना। तो देखिए इस कथा के कुछ हम बेसिक चीज़ें जानेंगे, उसके बाद हम लोग इससे पूरे सारांश को पढ़ेंगे। तो इस कथा के रचनाकार जो हैं, रचना करने वाले हैं नारायण पंडित, ठीक है ना। नारायण पंडित जो हैं इस वृद्ध ब्यार्ग कथा की रचना करते हैं, रचयिता हैं। बाघ के हाथ में तो था, बाघ के हाथ में कूस था, बाघ अपने हाथ में कूस लेकर के एक तालाब के किनारे बैठा हुआ था, ठीक है ना। और बाघ कैसा था, तो बाघ जो था वो वृद्ध था, ठीक है ना। बाघ जो था वृद्ध, यहाँ पर सही दोस्तों गलत हो गया है, वृद्ध था यानी बाघ जो था वो बूढ़ा था, ठीक है ना। बाघ काफ़ी बूढ़ा हो चुका था, ठीक है ना, और उसको कोई शिकार नहीं मिलता था, इसीलिए तो भेष रचाया हुआ था, यानी एक भेष बना करके जो है मतलब कि वो दान ले रहा था। तो देखिए आगे क्या होता है इसको। तो चलिए हम लोग वृद्ध ब्यार्ग कथा जो है उसका हम लोग सारांश जानेंगे, उसके बाद सारी चीज़ों को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो मेरे चैनल है gsstudy.in, आप इसको सर्च कीजिए, ठीक है ना, और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और बाय DK गौतम, मैं इसका संचालक हूँ, मैं इसको ही हैंडल करता हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक जंगल में एक बूढ़ा बाघ रहता था, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक जंगल में एक बूढ़ा बाघ रहता था और वृद्धा अवस्था के कारण, यानी वो वृद्धा हो गया था, बूढ़ा हो गया था, उस जिसके कारण उसके नख और दांत कमज़ोर पड़ गए थे, यानी उसका नख मने नाखून होता है, दांत तो आप जान ही रहे हैं कमज़ोर हो गया था, ठीक है ना, उसका नख और दांत कमज़ोर पड़ गए थे, अतः वे शिकार नहीं कर पाते, यानी वे बूढ़ा हो गए थे, उनके दांत और नाक भी मतलब झड़ गए थे, जिसके कारण उनसे कोई शिकार नहीं पकड़ा पाता था। एक दिन उसे किसी तालाब के किनारे स्वर्ण कंगन, यानी स्वर्ण कंगन मतलब सोने का कंगन मिला। बाघ को एक दिन तालाब के किनारे जो है सोने का क्या मिला, कंगन मिला। वह तालाब दलदल वाला तालाब था, तालाब जो था वो दलदल था, दलदल तो समझते होंगे दोस्तों, क्योंकि वो कीचड़ भरा था उससे तालाब में, ठीक है ना, अगर कोई आदमी जाए तो उसमें हल जाएगा, दब जाएगा, ठीक है ना। उसमें जंगली जानवर सावधानी से किनारे पर जाकर अपनी प्यास बुझाते थे, जितने भी जंगल के जानवर थे वो एकदम सावधानी पूर्वक जाकर के उस जल में पानी पीते थे और अपने प्यास को बुझाते थे, क्योंकि उन्हें भी डर था कि अगर हम इस तालाब में दलदल में फंस जाएंगे तो हम इसी में रह जाएंगे, ठीक है ना। तालाब के अंदर दलदल के कारण कोई पैर नहीं रखता था उसमें, ठीक है ना, बाहर से ही कोई भी जानवर पानी पीकर का होते थे भाग जाते थे, चले जाते थे, ठीक है ना।
और उसी तालाब के किनारे जो हैं इस वृद्ध बाघ को एक सोने का कंगन मिला हुआ था। चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ। शिकार कर अपनी उदार पूर्ति करने में असमर्थ वृद्ध बाघ ने सोचा कि क्यों ना मैं इस कंगन के लालच में अपने शिकार को फंसाऊं, इससे मुझे शिकार को मारने में आसानी हो जाएगी। तो वृद्ध बाघ ने सोचा कि मैं इस कंगन के सहारे से, मैं लालच से क्या करूंगा, मैं दूसरे जानवर को, दूसरे जीव को लालच दूंगा और वे लालच में फंस जाएंगे और मेरा शिकार क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, शिकार मेरे पास खुद ही आ जाएगा, हमको मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, इन्हें हमको शिकार करना आसान हो जाएगा, वृद्ध बाघ ने सोचा, ठीक है ना। देखिए आगे क्या होता है, क्योंकि सारी चीज़ें सरल भाषा में है, इसमें कोई समझने में आपको कठिनाई नहीं होगी। अब सरोवर के किनारे बैठकर किसी पथिक को देखकर जोर जोर से मनुष्य की बोली में आवाज़ लगाता। देखिए बाघ जो है एक सरोवर के किनारे बैठ जाता है, हाथ में कुश धारण कर लेता है और दांत में कंगन को दबा लेता है, और एक तालाब के किनारे जहाँ पे रास्ता गुजरती थी उसी तीन मुहाने पर वो बैठ जाता है, जहाँ से तीन ओर से लोग आते थे, ठीक है ना। और बैठ करके वो मनुष्य की आवाज़ में बोलता है, कंगन ले लो, कंगन ले लो, एक कंगन मैं दान कर रहा हूँ, कंगन ले लो। यानी वो बाघ जो था, देखिए भेष रचाया, एक दानी व्यक्ति का भेष रचा करके जो है वो चिल्ला रहा था कि कंगन ले लो, कंगन ले लो, मैं दान कर रहा हूँ, कंगन ले लो, ठीक है ना। बाघ रोज ऐसा ही प्रयास करता था, बाघ का प्रयास जो था, बाघ की जो कोशिश थी डेली यही था, वहीं जाकर बैठता था और रोज मतलब कि बोलता था कि कंगन ले लो, कंगन ले लो, ठीक है ना, मैं इसे दान दे रहा हूँ। लेकिन जंगल के रास्ते आने वाले लोग उसकी बातों को अनसुनी कर देता और सावधान होकर चले जाते। जंगल के रास्ते से जो भी लोग आते थे उसके बातों पर कोई ध्यान नहीं देता था, लोग जानता था कि ये बाघ है और बाघ कहीं दान नहीं देगा, कोई इस पे मतलब कि ध्यान नहीं देता था, सब लोग अपना चल बनता था, ठीक है ना। ऐसा ही मतलब कि रोज करता था। एक दिन की बात है, एक दिन दानवीर बाघ, यानी जो दान देने का भेष रचाया हुआ था, दानवीर बाघ की आवाज़ किसी लालची पथिक के कान में पड़ी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक पथिक, पथिक माने राही होता है, ठीक है ना। तो एक लालची जो है मतलब कि पथिक के कान में पड़ी उसकी आवाज़, और लालच से भी वशीभूत होकर कुछ पल के लिए मार्ग में रुक गया। यानी वृद्ध पथिक जो थे रास्ता में कहाँ हो गए, रुक गए। फिर बाघ से दान कैसे संभव, ऐसा सोच अपने को संभाल कर चलने लगा। बाघ ने उसे फिर रोका और पथिक से प्रत्युर में बाघ कहा, बाघ आदमी को खाता है, ऐसा कहा और जाने लगा। देखिए वो कुछ देर सोचा, जो पथिक था उन्होंने कुछ देर सोचा और फिर वो आगे बढ़ निकला कि बाघ आदमी को खाता है। वो ऐसा समझ लिया, वो जान गया कि नहीं, बाघ से मतलब कि कंगन की इच्छा करना ही क्या है, बेकार है, हम नहीं लेंगे उसे कंगन, ठीक है ना। लेकिन जाने लगा, तब देखिए बाघ ने क्या कहा, ठीक है ना। काफ़ी ये रोचक कहानी है दोस्तों। अब बाघ ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि अनेक गौ और मनुष्य के वध करने से मेरे पुत्र और मेरी पत्नी दोनों मर गए हैं। बाघ जो है सफाई दे रहा है कि जब मैं युवा अवस्था में था तो मैं काफ़ी जीवों की हत्या कर दिया था, जिसके कारण मेरे पुत्र और पत्नी मर गए हैं, मैं बहुत दुखी था। तब मुझे किसी धार्मिक व्यक्ति ने कहा कि आप दान धर्म, दान पुण्य कर का आचरण करें, अतः उन्हीं के कहने पर मैं दान स्वरूप कंगन तुम्हें दे रहा हूँ। बाघ ने कहा कि हमारे एक धार्मिक व्यक्ति ने कहा कि आप जो हैं दान पुण्य कीजिए, धर्म कीजिए, आपकी पाप का हो जाएगी, कट जाएगी, इसलिए मैं कंगन दान में दे रहा हूँ, ठीक है ना। यानी बाघ अपनी बातों में पथिक को क्या कर लिया, फंसा लिया, क्योंकि पथिक पहले जान गया था कि नहीं, बाघ से कंगन नहीं लेना है, क्योंकि वे अहिंसक प्राणी है, ठीक है ना। लेकिन बाघ के बातों को सुन करके जो है पथिक को थोड़ी मन में का आ गई,
लालच आ गई। तो देखिए आगे क्या होता है। बाघ ने फिर कहा, मैं आपसे सफाई में कुछ भी नहीं कहूँगा, मुझे दान कर धर्म पुण्य अर्जित करना है, लेकिन तुम्हें विश्वास नहीं होगा। वो कहा कि मैं एक बाघ हूँ और हम पे कोई विश्वास नहीं कर रहा है कि मैं सच में दान देने वाला हूँ और दान दे रहा हूँ। ठीक है। जब राही, राही मतलब वही पथिक, दान लेने को उद्यत हुआ तो बाघ ने कहा कि सरोवर में स्नान कर पवित्र होकर आओ और एक कंगन ग्रहण करो ताकि मुझे पुण्य प्राप्त हो, चाहे पुण्य लाभ हो। ठीक है ना। तो जब पथिक ने तैयार हो गया कि हाँ हम दान लेंगे, तो बाघ ने कहा कि आप जाइए पहले सरोवर में, तालाब में स्नान करके आइए, पवित्र होकर आइए और कंगन ग्रहण कीजिए ताकि हमें क्या हो, पुण्य प्राप्त हो, हमें जो पाप किए हैं उससे मैं मुक्त होना चाहता हूँ। ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। पथिक बाघ के कहे अनुसार सरोवर में स्नान करने के लिए जल्दी में कूद पड़ा और घोर दलदल में फंस गया। आपको हम पहले ही बताए हैं दोस्तों कि बाघ जिस तालाब के किनारे बैठा था वो तालाब दलदल था, काफ़ी कीचड़ भरा हुआ था, क्योंकि कोई जानवर भी पानी पीने जाते थे ना तो अभी संभल कर पानी पीते थे कि उस दलदल में हम फंस ना जाएं। लेकिन पथिक ने ना देखा ना सुना और लालच की मतलब कि घोर में आकर के, लालच की होड़ में वो एकदम से जा कर के जल में, तालाब में कूद पड़ा और वो दलदल में फंस गया। तो देखिए आगे क्या होता है। वो दलदल से बाहर आने का जितना प्रयास करता उतना ही गहरी दलदल में और फंसता जाता, यानी जितना ही पथिक निकलने को चाहते थे और ही वो उतना क्या होते थे, दलदल में फंस रहे थे। उसने कातर नज़र से बाघ की ओर देखा। ठीक है ना। उसने जो है मतलब कि बाघ की ओर उन्होंने देखा, ठीक है ना, कि वहाँ पे तो कोई बचाने वाला उनको था नहीं, क्योंकि वो सिर्फ बाघ ही था, वो सुनसान जगह पे मतलब कि बैठा हुआ था। अब क्या हुआ देखिए, लास्ट पैराग्राफ यहाँ पे हम देखेंगे। बाघ ने उसकी ओर दौड़ा, दौड़ते हुए व्यंग से कहा, गहरे दलदल में फंस गए हो, मैं अभी तुम्हें इस दलदल से निकालता हूँ। पथिक ने आवाज़ देने लगा, चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। तो बाघ ने मतलब कि क्या हुआ, उनके ओर ही देखा और कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इस दलदल से निकालूंगा, मैं तुम्हें बचाऊंगा। यह कहते हुए सावधानी से दलदल से बचाने के लिए पथिक को बाघ ने पथिक के पास गया और उसको उसी में दबोच दिया। बाघ ने पथिक को उस दलदल में क्या हुआ, दबोच कर खा गया और पथिक क्या हो गए, लालच में आकर अपनी जान को गंवा बैठे। ठीक है ना दोस्तों। तो एक कहानी है वृद्ध पथिक कथा। ठीक है ना। एक वृद्ध बाघ और एक पथिक की कहानी थी, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट कहानी है, जो 10th क्लास में आपको पढ़ना है। ठीक है ना। तो मैंने सारी चीज़ें इस चैप्टर का बता दूं। एक चीज़ मैं बता दूं, कभी भी अहिंसक प्राणी पे विश्वास नहीं करना चाहिए, वो कभी भी आपके ऊपर हमला कर सकता है। ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज के चैप्टर में इस चीज़ को कंप्लीट कर लिए और मिलते हैं अगले वीडियोज में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।